नमस्कार, मैं हूं करण जौहर, और अगर आप ये नहीं जानते तो शायद आप कॉफी कम पीते हैं। आज छोटे पर्दे पे हम कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, एक ऐसा गाना शूट करने जा रहे हैं जो आपने पहले कभी ना देखा होगा या सुना होगा। लेट मी टेल यू, भारतीय सिनेमा का ये सबसे ओरिजिनल सिचुएशन है। सो गेट रेडी, लाइट्स, कैमरा, एक्शन। पास आए ये मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या कब आए, कुछ कुछ होता है, क्या कब आए, कुछ कुछ होता है। अर्ज करता हूं, ना रेखा, ना माधुरी, ना नीता अंबानी, प्लीज वेलकम हमारी फेवरेट रानी। और आपके लिए भी मैं अर्ज करना चाहता हूं, प्लीज अलाउ मी, आपकी सदा ने, आपकी सदा ने ले ली हमारी जान। प्लीज वेलकम शाहरुख खान। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और घटिया घटिया शेरों का सिलसिला आगे बढ़ाता हूं। करण, मुलाजा फरमाइएगा, आपके लिए अर्ज किया। जी जी, ऑफ कोर्स। ये जिसे भी डायरेक्ट करते हैं लग जाती है उस पर सफलता की मोहर, क्योंकि ये है सुपर डुपर हिट डायरेक्टर करण जौहर। बट ऑन अ मोर मोर सीरियस नोट, लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज शाहरुख खान, एयरटेल प्रेजेंस, क्या आप पांचवी पास से तेज हैं। और सचमुच मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि मेरे सबसे अजीज, मेरे सबसे करीब दो दोस्त मेरे साथ हैं। खेल शुरू करने से पहले मैं अपनी पांचवी की जो क्लास है, जो कक्षा है, उनसे इनको मिला दूं। पहले श्री परना से मिलाता हूं। तुम्हें कुछ पूछना है करण या रानी से, कुछ कहना है इनको? उनके साथ बैठे हुए अनुभव भाई, ये बहुत कमाल के डांसर है, थोड़ा सा गुंडा है, बदमाश है। रानी के लिए, रानी के लिए तड़कता भड़कता गाना गा दो कुछ। पहली नजर में ऐसा जादू जिया। यहाँ पे हैं श्रिया। श्रिया तो तुम्हारे साथ फिल्म में काम भी कर चुकी है, मैंने सुना। व्हाट इज द नाइसेस्ट थिंग अबाउट रानी? रानी दीदी बड़ी अच्छी हैं। ये मेरी फेवरेट एक्ट्रेस थी, हैं भी, मुझे बड़ा मजा आया इनके साथ। ओके, थैंक यू श्रिया, एंड आई होप यू हेल्प फॉर टुडे टुनाइट। उधर ना आएगा जी मिलनजीत, मेरा पंजाबी पुत्र रहेगा ये। क्या बात, मिलनजीत से अच्छा स्वीट लगा कोई भी नहीं। लास्ट एंड ऑफ कोर्स नॉट द लीस्ट, बैठे हुए मेरे हैरी पुत्र, मेरे धैर्य। तुम्हें करण ज्यादा अच्छा लगता है कि रानी? दोनों, करण अंकल अच्छे डायरेक्टर है, ये अच्छी एक्ट्रेस है। वेरी गुड। जल्दी से आपको मैं बता दूं कि करण और रानी जो यहाँ पर खेल रहे हैं, एक तो उन्होंने थैंक यू वेरी मच कि यहाँ पर आए, और दूसरी बात ये कि ये जो पैसा यहाँ से जीतेंगे ये चैरिटीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ये दोनों। ऑफ कोर्स अच्छे कॉज के लिए हैं, अच्छी चीज के लिए हैं। तो मैं चाहूंगा कि दोनों बताएं कि किस चैरिटी में ये पैसा इस्तेमाल आएगा। पहले रानी तुम बताओ। मैंने चैरिटी दी थी आरोग्य निधि हॉस्पिटल को, तो बहुत लोगों का फायदा हुआ था, तो मैं इस बार भी किसी हॉस्पिटल को ही दूंगी, लेकिन कौन से हॉस्पिटल को दूंगी मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया। दैट्स अ वेरी नाइस थॉट, शी विल यूज इट। एंड करण, आप किस चैरिटी में इस्तेमाल करेंगे? मैं एक्चुअली ये पैसे जो आप कॉज को सपोर्ट करते हैं, वो नानावती हॉस्पिटल का जो आप विंग बनाना चाहते हैं या बना चुके हैं, तो मैं उस कॉज की तरफ ये पैसा देना चाहूंगा। चलो वेरी गुड। एंड जल्दी से आपको रूल्स बताता हूँ गेम के। आपके सामने करण एंड रानी,
आप दोनों के सामने क्लास एक से लेके क्लास पांचवी तक के बीच में से सब्जेक्ट्स आएंगे ऐसे, तो आप चूज कर सकते हैं किसी भी ऑर्डर के अंदर। जब आप पहले सवाल का सही जवाब देंगे पहले सब्जेक्ट का तो आपको मिलेंगे 10,000 रुपए, एंड जब आप सेकंड का देंगे तो 20,000 रुपए, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते अगर 10 सवालों के सही जवाब दोगे तो तुम्हारे पास आ जाएंगे 1 crore rupees। ओके, इज दैट गुड फॉर द चैरिटीज? यस, यानी 10 सवालों का सही जवाब तुमने दे दिया तो तुम जो है बड़े वाले क्वेश्चन पे आ जाओगे, विच इज 5 crore rupees, इज अ बिग वन। बेस्ट बात इस पाठशाला की है कि जब भी दिल चाहे, जब भी तुमको लगे कि सवाल मुश्किल हो गए हैं, तुम डिसाइड कर सकते हो कि हमारी पाठशाला छोड़कर चले जाओ। लेकिन हमारी पाठशाला में से जो छोड़कर जाता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? भगोड़ा। भगोड़ा मींस कि दुम दबा के डर के डरपोक लोगों की तरह तुम कावर्ड्स की तरह यहाँ से भाग गए। हम चाहेंगे नहीं कि तुम्हारे जरिए बच्चों को ये मैसेज पहुंचे कि पढ़ाई छोड़नी है, तो दोनों पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना, 5 crore rupees तक बिल्कुल ना नहीं कहना। ओके, टेंशन हो रही है? मुझे बहुत डाउट लग रहा है, ऐसा नहीं है? हम होंगे कामयाब। ओके, वेल डन, मन में है विश्वास। इसको हम करण को अब इलेक्शंस के लिए भी खड़ा करेंगे जो सस्पिशियस दे रहा है। वेरी गुड। अभी अगर तुम दोनों ने 5 crore rupees नहीं जीते तो वो जो कैमरा दिख रहा है जिसमें लाइट जल रही है सामने, उसमें देखकर स्माइल करके कहना पड़ेगा कि मैं करण जौहर, रानी तुम कहना मैं रानी मुखर्जी। इंटेलिजेंट हैं, इंडिया के सबसे फेमस लोग हैं, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, बड़े बड़े अवार्ड मिले हैं, बड़ी बड़ी चीजें हमने की हैं, लेकिन हम दोनों पांचवी पास से तेज नहीं, हम बेवकूफ हैं, बुद्धू हैं, कद्दू हैं। शाम में ये स्टार्टिंग में कह दूं? हाँ प्लीज, ये तुम पहले तुमको मैं बता दूं, यू हैव द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द फर्स्ट गेस्ट ऑन दिस शो जिसने स्टार्टिंग में ये कहना मंजूर किया है। प्लीज कर, प्रैक्टिस कर लो। मैं रानी मुखर्जी पांचवी पास से तेज नहीं हूँ, मैं बुद्धू उल्लू कद्दू। वेरी गुड, पहले मान लिया करण। ऐसा नेशन वाइड ये प्रूव करना क्या जरूरी है कि हम कितने बड़े बड़े उल्लू हैं, बेवकूफ नहीं, हैं? नहीं, 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 पांचवी पास से तेज नहीं हम है, हम तुम्हारी बेइज्जती नेशन में नहीं करेंगे। ये शो देश से बाहर भी जाता है तो विदेशों में भी मेरी बहुत लॉयल NRI ऑडियंस है, आप क्या कर रहे हो? आई थिंक इस शो के बाद थोड़ा बहुत बदलाव आ जाएगा उसके अंदर। अच्छा ठीक, बट डोंट वरी अबाउट इट। जल्दी से अपना क्लासमेट जो तुम्हारी मदद करेगा या मदद करेगी उसको चुनो। अच्छा, कम यू कम डालिंग, कम श्रिया, गिव अस अ किस। श्रिया, यो श्रिया, पता करते हैं कि रानी मुखर्जी और करण जौहर पांचवी पास से तेज हैं या नहीं। ओके, डन, वेरी गुड। 10,000 रुपए के लिए आप दोनों अपना सब्जेक्ट चूज कर लें। ज्योग्राफी, क्लास 5 ज्योग्राफी, क्लास 5 ज्योग्राफी। सीधा ऊपर छलांग मार रहे हैं करण और रानी, क्लास 5 ज्योग्राफी। 10,000 रुपए के लिए दोनों को सवाल दिखाया जाए। वो क्या है कि भूगोल जो है, भूगोल, भूगोल शास्त्र, हाँ वो थोड़ा मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था। भूगोल शास्त्र तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट है? सवाल बताता हूँ हिंदी में मेरे। ओके बाय, थैंक यू, वेरी नाइस टू नो यू, लवली मीटिंग यू। ये आपने पर्पसली किया हमें शो पे बुला के, यू हैव ट्राइड टू ह्यूमिलिएट एंड इंसल्ट अस। I promise you, I will not try to do that. I will make sure I do. ये सवाल मैं पूछूंगा टू रानी। Which geographical feature is called Sagar Matha in the local language? Bye bye. एक मिनट। Bye bye. मैं हिंदी में आसान लगेगा, seriously हिंदी में बहुत आसान है। हाँ जरूर। किस भूगोलिक संरचना यानी geographical feature को स्थानीय भाषा में सागर माथा भी कहा जाता है? किस भौगोलिक संरचना को सागर माथा? 1 minute रानी, रानी 1 minute, 1 minute समझ लो गेम। सागर माथा, सागर माथा, लेट्स ब्रेक इट अप। सागर यानी सागर किनारे, दिल्ली पुकारे, तो सागर माथा कौन सी भाषा हो सकती है? हेड ऑफ सी, सी हेड, सी हेड। तो कैन यू जस्ट टेल अस व्हाट आर द चीट्स? चीट्स हम बता रहे हैं, रानी काम पे आ गई है। It's going above us. Above my matha. Shriya, Shriya, you are looking lovely. Let me tell you the cheats. Taak jaake, that means aap peek kar sakte hain Shriya ya apne partner ke answer mein. Decide kar sakte hain uske answer ke saath jana hai ya nahi. Dusra hai copy, yani jo Shriya ya aapke partner ne jawab diya hai. Ye 10,000 mein ye kaisa, I mean, chalo. Aur teesra hai bachao, in case aap galat jawab dete hain.
और आपके पार्टनर के पास सही जवाब हो तो वो आपको एक बार इस गेम में बचा भी सकता है, जो मुझे लग रहा है इस वक्त आपको काफी जरूरत है। याद रखिएगा, no no, do ताक जग। I'm telling you Karan, let's copy because ताक जग, what are we going to achieve as if you know the answer? Shriya is looking lovely, but अगर सागर माथा is, oh but Shriya, you know the answer? 10,000 rupees. Shriya, copy कर ले। You will be the first people. क्या या जा ताक जग? No, not leave. जिनकी charity phone करके तुम्हें कहेगी अगली बार हमारी charity के लिए मत खेलना। अच्छा ताक जग कर ले। अरे कुछ तो बोलो। ताक जग। हाँ। सोचना नहीं है, सीधा ताक झाक कर। सागर माथा। I take your point. We know भारत माता, we don't know सागर माता। तो तुम दोनों को ये दबा कर कहना पड़ेगा कि हम दोनों ग्रोन अप्स जो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ रहे थे शो से पहले, हम नहीं समझा, इसे नहीं समझा, तुम समझ रहे थे? मैं समझ रहा था कि ये पहला सवाल मुझे जरूर पता चलेगा, लेकिन ये थोड़ा गड़बड़ हो गया मेरा प्लान। तो ये कप को पकड़ के मैं कहना चाहता हूँ, आई एम सॉरी कि आई थॉट कि मैं शायद ये सवाल का जवाब दे सकता था, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तो श्रिया मेरी जान, ताक झांक करूंगा, ताक झांक कर लो मेरे साथ प्लीज। चलो प्लीज को दबा के फिक्स कर लो कि ताक झांक करने वाले। ताक झांक, ताक झांक, ताक झांक। देखते हैं कि श्रिया ने जवाब क्या लिखा है बोर्ड पे। प्लीज श्रिया का जवाब दिखाया जाए। माउंट एवरेस्ट इज व्हाट शी थिंक्स द आंसर कैन बी ऑफ सागर माथा। लेट्स गो विद श्रिया, लेट्स गो विद श्रिया, लेट्स गो विद श्रिया। मैं एक बार बताता हूं, अगर जवाब गलत हुआ तो गेम यही खत्म हो जाती। आई नो, आई गेस व्हाट यू डू, बट वी हैव नो ऑप्शन नाउ। नो, गो विद, हमें क्या पता, आई डोंट नो, शी मस्ट बी नोइंग दिस। आई डोंट नो सागर माथा इज माउंट एवरेस्ट और व्हाटएवर। या करेक्ट, वी डोंट हैव अ चॉइस। ये फिक्स कर लो। All right, Rani and Karan have fixed Mount Everest. Let's go. इधर आ जाओ, वापस आ जाओ। हम लोग सोचे कि हम लोग अभी चले जाएं। नहीं, हम इतने इज्जत से तुम्हें नहीं जाने देंगे अगर ये गलत हुआ तो। मैं दिखाता हूँ कि बाकी बच्चों ने क्या जवाब लिखा है। बच्चों ने लिखा है Mount Everest, Mount Everest, Mount Everest, and Mount Everest is the right answer. Hello. No, I also want to argue. Very clever. Can I stand here only? Yes. No. Shriya. Ooh. Okay. Ladies and gentlemen, normally हमारी जो break होती है, चार पांच सवाल उसमें हो जाते हैं। ये पहली बार है इस शो पर कि हमारी जो ब्रेक हो रही है पहले सवाल के बाद हो रही है, और मैं कहना नहीं चाहता किस लिए, बस आप लोगों को मैं ये आपसे गुजारिश है कि आप लोगों को जो होमवर्क का सवाल मिले वो इन दोनों से ज़रा जल्दी भरकर भेजिएगा। हो सकता है आप घर बैठे 1,00,000 रुपए जीत जाएं, लेकिन जल्दी से वापस आइएगा, बिकॉज टू ऑफ माई बेस्टेस्ट फ्रेंड्स इन द वर्ल्ड आर प्लेइंग पांचवी पास। करण एंड रानी वेटिंग हियर फॉर यू, टेक अ होमवर्क ब्रेक। आज का बजाज एलियंस होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से कौन सा जानवर अपने बच्चों को पेट पर बनी थैली में रखता है? आपके ऑप्शंस हैं, एक गाय, दो गुरिला, तीन कंगारू। मैं सवाल तो पढ़ लूं पहले, रुक जाओ सब रुक जाओ एक सेकंड के लिए। कौन सा शब्द इस राइम को पूरा करेगा? पुसी कैट वेयर हैव यू बीन, क्वीन क्वीन क्वीन। पक्का मालूम? ओह कम ऑन नाउ। क्या आप पांचवी पास से तेज हैं? और मुझे बड़ी खुशी हो रही है बता दूं कि मेरे सबसे जिगरी, मेरे सबसे क्लोज दोस्त मेरे साथ आज पांचवी पास की कक्षा में आए हुए हैं। और कैसा लग रहा है तुम दोनों को? आपके साथ हमेशा अच्छा लगता है। ओके, अच्छा रानी, मेरे पास एक तस्वीर है तुम्हारे बचपन की। ओ रानी, तुम बिल्कुल नहीं बदली। मुझे तो बहुत हमेशा ही खूबसूरत लगती हो तुम। जब छोटी सी तभी सुंदर लग रही हो, बड़ी हो गई हो तभी भी सुंदर लग रही हो, अधेड़ उम्र की हो जाओगी तभी भी सुंदर लगोगी, और जब बुढ़ी हो जाओगी तब तो सबसे ज़्यादा सुंदर लगोगी। लेकिन तुम बुढ़ी कभी नहीं होगी, हम दोनों कभी बुढ़ी नहीं होंगे। हम कुछ कुछ होता है गाना गाते रहेंगे जिंदगी। करण हम दोनों को कॉलेज में डालता रहेगा और हम कॉलेज में एक्टिंग करते रहेंगे। और करण जब मुझे डायरेक्शन देने लगता है तो मेरा रिएक्शन ये होता है, यार ये सीन के अंदर शाहरुख खान ऐसा करेंगे तो मैं सो जाता हूँ। Why am I sleeping? Yeah, I think looks so good while sleeping. Yeah. मैं सोते हुए बहुत सुंदर लगता रहा, कभी मेरे साथ सो तो तुम्हें मालूम पड़े। ये एक
पारिवारिक शो है, आप प्लीज ऐसी बातें ना करें। मुझे माफ कर दो, स्टार प्लस मेरी इतनी भी बा बहू और साजिश है, डर गई होंगी मेरी इस बात को सुनकर। लव यू बोथ एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर, बट मैं बोलना चाहूंगा कि आई होप कि अब जो सवाल आएगा उसमें तुम थोड़ी परफॉर्मेंस बेटर करोगे दोनों के दोनों, ठीक है? अब तुम्हें नया सब्जेक्ट चूज करना है, 20,000 रुपए के लिए है, मदद के लिए तुम्हारे बच्चे यहाँ पर खड़े हैं। करण और रानी के लिए क्लास वन इंग्लिश। अभी ये अपनी हैसियत पर आ गए हैं, पर क्लास फाइव से सीधा क्लास वन के ऊपर। कौन सा शब्द इस राइम को पूरा करेगा? Queen, queen, queen. Pussycat, Rani. Pussycat, where have you been? I've been to London to see the queen. Fix कर लो. Fix. अरे एक सेकंड. मैं सवाल तो पढ़ लूँ पहले. नहीं हाँ. रुक जाओ. सब रुक जाओ एक सेकंड के लिए. कौन सा शब्द इस राइम को पूरा करेगा? Pussycat, Pussycat, where have you been? I've been to London to see the dash queen. Queen. Okay, queen. Very good. एक सेकंड. पक्का मालूम? Oh, come on now. Fix it, queen. 20,000 रुपए के लिए। We sing it for you also. Pussycat, Pussycat, where have you been? Been? Yes. Then I've been alone. मैं आपको बताना चाहूंगा तुमने जल्दबाजी में क्या बचाओ तुम्हारा बाकी है। ये जो पोएम थी ये मैंने ओम शांति ओम में गाई थी, उसमें मैंने ऐसे गाई थी जैसे तुम गा रहे हो करण, Pussycat, Pussycat, where have you been? You've been to London to see the queen. Yeah. But actually the poem is Pussycat, Pussycat, where have you been? I've been to London to see the scene, not queen. So tum logon ne thodi jaldbazi ki. It's not queen guys, it is scene. Hum log No. It's queen. Okay, queen is the right answer. Queen. That, 1 minute, that is not allowed. It's allowed. ये मेरी पाठशाला है, यहाँ पे जो मैं चाहूंगा वो ही होगा। लेकिन ये हार्ट अटैक हो जाता है। मैंने सोचा ये नर्सरी लाइन तो मैं जानता हूँ। कि मेरी माँ ने मुझे गलत क्यों सिखाया? I was doubting my mummy. But really good, 20,000 रुपीस तुम्हारे हो चुके हैं। और श्रिया जिसने तुम्हारी मदद की पहले सवाल में सागर माथा। सागर माथा। मैं जान। Thank you श्रिया, thank you for being here. Bye, thank you darling. Thank you sweetie, thank you. अपना नया क्लासमेट चुन लो फटाफट। अनुभव कम है। Hello. Thank you. তুমি আজকে অনেক ভালো লাগছো আর তুমি অনেক ভালো খেলছো। So sweet, thank you. কি বলেছো? Sir, I'm looking very pretty and I'm playing very well. এক বাত সমঝ লো আজ। রানী কি তারিফ মেরে আলাদা এস শো পর আর কোই নেই করেগা। আর তুমি খুব sweet. Thank you. Okay, okay. I understand. রানী তুমি ভি খুব sweet. I know. मैं ट्राई करना चाह रहा हूँ जो अनुभव ने ट्राई किया, क्योंकि उसने जब बोला तो मैं उसे किस किया, तुम खूब भाले लागो छो और खूब भालो बोलो छो। ओके थैंक यू। और एक बात बताओ मुझे, कैसे स्टूडेंट थी तुम स्कूल में रानी? एवरेज स्टूडेंट। मैं भी एवरेज ही बोलना चाहती हूँ। जब तक 500 रुपए नहीं जीतोगी नहीं तो मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लूँगा। जी जी। बट सीरियसली कोई शरारत की तुमने कभी स्कूल में पकड़ी गई? नहीं नहीं। बहुत अच्छी बच्ची थी तुम। बहुत अच्छी बच्ची। कभी कुछ गई गलत काम नहीं किया? नहीं। स्कूल से भागी कभी? नहीं। किसी और लड़के को छेड़ा? नहीं। कुछ नहीं किया? नहीं। स्कूल लड़के को तो छेड़ा नहीं। लड़के को तो नहीं छेड़ा। स्कूल जाती थी कि नहीं जाती थी? क्योंकि कुछ किया ही नहीं तो शायद मुझे लग रहा है स्कूल ही नहीं गई थी। और करण तुम्हारी स्कूल में मैंने सुना तुम एक्चुअली, सॉरी मैं तुम्हें आपको बता रहा हूं, मुझे मालूम है इसके बारे में तो पूछना अजीब सा लगेगा, करण अपने स्कूल के अंदर बहुत होनहार स्टूडेंट थे और सबसे मोटे स्टूडेंट थे। ही वॉज द फैटेस्ट बॉय इन स्कूल। तो तुम्हारे मोटे होने का राज क्या था करण? आई वॉज यूनी चाइल्ड, मैं एक ही बच्चा था घर पे, तो बहुत मुझे स्पॉइल किया गया था बाय मम्मी एंड पापा। तो मैं इतना मोटा होता गया कि उसके बाद मैं कोई स्पोर्ट्स में मुझे कोई टीमें नहीं लेता था, कोई चूज़ नहीं करता था, सो आई कंटिन्यू टू जस्ट ईट इन डिप्रेशन। तो इसीलिए मैं ज़्यादा मोटा होता गया।
लेकिन पढ़ाई में तुम बहुत मैं बहुत फैंटे क्योंकि मेरी माँ नॉर्मली बच्चे के पीछे माँ भागती है कि पढ़ो बेटा पढ़ो प्लीज लिखो. मेरी माँ मुझे कहती थी भगवान के लिए स्टॉप स्टडिंग प्लीज नीचे जाओ खेलो दोस्त बनाओ. लेकिन मैं बस पढ़ता रहता था नॉन स्टॉप पढ़ता रहता था विच इज नॉट वेरी ऑब्वियस टूडे क्योंकि आई थिंक मैं जो बोलते हैं ना स्कूल में मक पॉट था मैं रट लेता था सब कुछ लेकिन माँ याद कुछ रहता नहीं उसके बाद रटने के बाद. इट्स नेवर गुड टू मार्क यू हैव टू अब्सॉर्ब. अच्छी सीख दी है करण ने हमको और इसका एक्सक्यूज भी बता दिया है कि जो कुछ सीखा था पांचवी तक वो भूल चुका है यहाँ पर. और मैं चाहूंगा आप पता करना कि तुम्हारे को 50,000 रुपए के लिए जो सब्जेक्ट चूज करना है वो चूज करके प्लीज जीतने की कोशिश करो. कम ऑन रानी. पक्का 50,000 रुपए के लिए करण और रानी के लिए क्लास 3 स्टोरीज का सवाल दिखाया जाए. हिंदी में मेरे कॉम्पैक्ट मिनी पर तुमसे सवाल है. महाभारत में किसने परीक्षा के तौर पर कौरवों और पांडवों से एक बनावटी चिड़िया की आंख में निशाना साधने को कहा था. और अनुभव को लगता है कि उसे जवाब मालूम. मैं इंग्लिश में एक बार पढ़ देता हूँ. इन द महाभारत हु टेस्टेड द कौरवास एंड पांडवास बाय आस्किंग देम टू एम एट द आई ऑफ एन आर्टिफिशियल बर्ड. एक मिनट ये हमें पता है. हम दोनों को पता है. वी आर बोथ इन द नो हाउ ऑफ दिस नो हाउ. हाँ कि ये हम जानते हैं और मैं शौक हूँ कि मैं मुझे ये पता है. लेकिन देखो एक बार लेकिन ये नहीं पता है कि ये सही है. नहीं सोच लो सुन तो लो पहले समझ लो. 50,000 रुपए के लिए है तुम्हारे पास दोनों चीट्स तुम्हारे बकाया हैं तो तुम्हारे दिमाग में जो आ रहा है ऊंचा ऊंचा बोलो और फिर तुम लोग डिसाइड कर सकते हो. डरा रहे हो. मैं हमने सोचा कि आसान द्रोणाचार्य इज द्रोणा ऐसा द्रोणा द्रोणाचार्य और द्रोणा दे द सेम सेम पीपल. स्कूल में नहीं पढ़ा कभी. नहीं नहीं स्कूल में नहीं पढ़ा था. लेकिन ये कहानी तो बहुत पॉपुलर है. ये क्या कहानी थी बताओ. ये जो कहानी है आस्किंग देम टू एम एट द आई ऑफ एन आर्टिफिशियल बर्ड. ये एम आर्टिफिशियल बर्ड ये द्रोणाचार्य से रिलेटेड है. आई थिंक दिस इज लाइक द्रोणा. आर यू श्योर? इवन आई एम श्योर. सो शुड वी जस्ट गो फॉर इट. ही इज लाफिंग आल्सो. आई थिंक ही इज नॉट लुकिंग स्ट्रेट. आई थिंक ही इज वेरी हैप्पी विद द आंसर. शाह वी आर गोइंग फॉर इट. हेलो कैसे देखूं तुम्हारी तरफ बोलो तुम. अच्छा आई थिंक फॉर्चुनेटली तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है. कहानी तो बता दो. एक्चुअली द्रोणाचार्य गुरु थे कौरव एंड पांडव के. ये कॉमन बॉन्ड उनका यही था कि उन दोनों के गुरु जो थे सेम थे. उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या दिख रहा है और जब तक जो भी सीख रहे थे उनसे उनको कुछ और दिखता रहा. उन्होंने कहा तुम्हें फोकस नहीं सिर्फ आंख दिखनी चाहिए और कुछ नहीं दिखना चाहिए. तो अगर किसी काम में किसी मंजिल में अगर आपको सबसे अच्छा अपना काम दिखाना है तो फोकस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ओके अभी तक तुम्हारी चैरिटी के लिए 50,000 रुपए हो चुके हैं. अब तुम 1,00,000 रुपए की तरफ बढ़ रहे हो. फटाफट जल्दी से अपना सब्जेक्ट चूज करो. अनुभव तुम्हारी मदद के लिए यहाँ पर है. सवाल दिखाने से पहले हम लोग एक छोटा सा टिफिन ब्रेक लेंगे क्योंकि मैं इतना खुश हूँ कि दोनों यहाँ पर हैं और मैं इतना दुखी हूँ कि ये दोनों जो हैं आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ क्लाइम कर रहे हैं. बट नो जोक्स अपार्ट यू बोथ आर प्लेइंग ब्यूटिफुली. सो वुड यू से दिस विद मी. हम तीनों करण शाहरुख रानी आपका यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं. आपका यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं. आप जाइए एक टिफिन ब्रेक लेकर आइए. Even I think it's false, but I don't know if your reason is. Reason is correct. How can dogs fly? I told you go with me, Karan. Go with me. अच्छा मैं एक बार बता दूँ ऑप्शन. We'll be going only with you. We'll not be going. Trust me on this. One minute. I'm telling you, dogs don't fly. I know. मैं इस क्लासरूम का टीचर हूँ. Listen to me. Welcome back. Airtel Presents. क्या आप पांचवी पास से तेज हैं और मैं खेल रहा हूं और झेल रहा हूं करण जौहर और रानी मुखर्जी को. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर. और 1,00,000 रुपए के लिए क्लास 4 एनिमल किंगडम का सवाल करण और रानी को दिखाया जाए प्लीज. मेरे कॉम्पैक्ट मिनी पर हिंदी में सवाल है सही या गलत. फ्लाइंग फॉक्स अन्य लोमड़ियों की तरह कुत्ता परिवार से संबंध रखता है.
True or false? The flying fox. अनुभव को लगता है उसे जवाब मालूम. The flying fox belongs to the dog family like other foxes. True or false? False. हाँ? False. क्यों ऐसा लग रहा है? Because flying fox का मतलब ये थोड़ी ना कि fox fly कर रहा है, मतलब dog fly कर रहा है ऐसे. You mean उड़ता हुआ कुत्ता तो नहीं हो सकता? उड़ता हुआ कुत्ता तो नहीं हो सकता. अगर होता तो तुमने सुना होता. Foxes is not. Hello, it's false only. But let us first see why. For you are just saying flying fox for you is not sounding like a dog. It can't be a dog because dogs can't fly. Just to do some cheap humor in the middle, this question has really foxed you. False. Okay? Fix, Shah? Fix or false? One minute. Dogs don't fly. I know. But let me tell you the options, guys. Don't get worried. Flying fox. मैं उड़ता हूँ तुम्हें बताता हूँ. मैं कह रहा हूँ कि जब ये बात. मैं बोल रही हूँ go with me, Karan. Go with me. अच्छा मैं एक बार बता दूँ ऑप्शन. We'll be going only with you. We'll not be going. Trust me on this. No. I'm also saying it's false. Trust me. तुम दोनों फॉल्स कह रहे हो. मैं तुम्हें ऑप्शन बताता हूँ, सुन लो प्लीज. मैं इस क्लासरूम का टीचर हूँ, लिसन टू मी. टीचर. हाँ. वेयर आर यू? सर. अगर तुम्हारा जवाब सही हुआ तो तुम्हें 1,00,000 रुपया मिलेगा. मैं ऑप्शंस क्लियर कर देता हूँ. दो चीट्स हैं तुम्हारे पास, कॉपी और बचाओ. यानी तुम अनुभव से अनुभव का जवाब ले सकते हो, या अगर तुम गलत जवाब देते हो और इसका सही हुआ तो ये तुम्हें बचा भी सकता है. राइट? दैट्स इट. रानी को फॉल्स लग रहा है. करण तुम्हें क्या लग रहा है? नहीं, मुझे भी लग रहा है फॉल्स. लेकिन मैं बस लॉजिक ढूंढ रहा हूं. लॉजिक ना. आई नो द थिंग इज आई डोंट नो व्हिच फैमिली दे बिलोंग टू. ईदर द वी डोंट नीड टू नो व्हिच फैमिली दे बिलोंग टू, एज़ लॉन्ग एज़ दे आर नॉट द डॉग फैमिली. आई थिंक इट्स एज़ लॉन्ग एज़ ये मुखर्जी और जौहर फैमिली की नहीं है. हमें क्या लेना देना यार. नो, आई एम ट्राइंग टू. आई नो इट्स ऑन द डॉग फैमिली, सो या इट्स फॉल्स. मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ फ्लाइंग फॉक्स होता क्या है. मालूम है फ्लाइंग फॉक्स क्या होता है? नहीं. हाँ, क्या होता? तुम्हें मालूम है? बोलो क्या होता है फ्लाइंग फॉक्स? फ्लाइंग फॉक्स बिलोंग्स टू द बैट फैमिली. बिलोंग्स टू द बैट फैमिली. ओ इट्स अ चमगादड़. यू आर राइट. द आंसर इज फॉल्स. सो यू गेट 1 लाख. अनुभव अब तुम्हारी मदद नहीं करेगा, वो वापस अपने बेंच पर जाएगा. थैंक यू अनुभव. थैंक यू बेटा. बाय. नया क्लासमेट चुन लो. मिलन जी राजा. जल्दी छठी छठी आ जाओ. एक चीज करना चाहता हूँ. मिलन जी तो मैं जो है वर्ल्ड क्लास भांगड़ा करते हैं. हम दोनों से अच्छा भांगड़ा. हम चारों खड़े हो जाए. आ जाए इतने. आ जाओ मेरे नाल, सामने आ जाओ मेरे कोल. आ जाओ सब. ये मिलन जी लीड करेगा, आप भी आ जाओ यहाँ पे खड़े हो जाओ और हम एक भांगड़ा करेंगे. मैंने भांगड़ा इसलिए करा दिया जस्ट इन केस तुम्हें सवाल के बाद चले जाओ यहाँ से, तो प्लीज भांगड़ा तो करके जाओ. भांगड़ा प्लीज नहीं जाओगे. 2,00,000 रुपए के पड़ाव पे पहुंच चुके हो, यानी मिनिमम 2,00,000 रुपए यहाँ से तुम लोग लेके जा सकते हो अगर इस सवाल का सही जवाब दोगे तो. मिलन जी तुम्हारी मदद और भांगड़े के लिए रेडी है. जल्दी से अपना सब्जेक्ट चूज करो. Monument. Okay, class 3 monuments and places for 2 lakh rupees. Sawal dikhaya jaye. Okay, mere compact mini mein hindi mein sawal hai aap logon se. Inme se kis smarak par aap he ram likha hua payenge? Aapki choices hai A Rajghat, B Veer Bhumi, C Vijay Ghat. Milanjit ko lagta hai ki usko jawab maloom hai. Which of these memorials bear the inscription He Ram? Your choices are Rajghat. He Ram must be written on Veer Bhumi and Vijay Ghat. Yeah, who said He Ram and why should Mahatma be? Gandhi's. Uh-huh. Mahatma Gandhi ke wahan pe memorial. Definitely, ji memorial. Lekin Mahatma abhi Gandhi ji ka Delhi mein hai na Rajghat. Kahan par hai? Delhi mein Rajghat.
And Veer Bhumi will be definitely for the Jawans, I think. Vijay Ghat. And Vijay Ghat will not be. I think it will be Raj Ghat. किसने कहा था हे राम आप लोगों ने कहा महात्मा गांधी ने जब इनमें से कौन सा कुछ है रिलेटेड आपको लग रहा है आपने कहा वीर भूमि आर्मी से रिलेटेड होगी हाँ विजय घाट दिल्ली में है जहाँ वो राजघाट दिल्ली में जहाँ राजघाट दिल्ली में नहीं है पता जो है ना महात्मा गांधी जी के I know it's definitely not Veer Bhumi. I'm confused between Rajghat and No, no, it is Rajghat. If it's between Rajghat and Vijay Ghat, it has to be Rajghat. Veer Bhumi में नहीं है. Fix कर दे. करूं? अच्छा ओके राजघाट वीर भूमि विजय घाट एंड राजघाट तीनों ही एक्चुअली जहां तक मुझे मालूम है दिल्ली में ही है अच्छा ऐसे यहाँ दूर दूर क्यों चले गए इतना क्योंकि हम आई कांटेक्ट नहीं करना चाहते आपसे क्योंकि आप डरा रहे हो आप बस बता दो सही जवाब क्या है या तो हम गाड़ी बुला लें या खड़े हो जाएं प्लीज बता दो प्लीज ओके हमें दे दो ये सवाल का जवाब दे दो बता दो बता दो बता दो बता दो बच्चों की मदद करना चाहते हैं बता दो Okay, Rajghat is the right answer. ये देखो ये रानी हमारे जवाब सही है लॉजिक्स आर ऑल जाता हूँ आई एम श्योर राजघाट इज इन दिल्ली बट यू थिंक सारे तीनों के तीनों दिल्ली में और तीनों समाधियां एक वीर भूमि जो है श्री राजीव गांधी जी की है जी। और विजय घाट जो है श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि है राजघाट इज गांधी जी की समाधि हे राम राजघाट उस पे हे राम लिखा होगा कई बार टीवी पे आता है गांधी जी का वो यू आर राइट एक्चुअली यू आर राइट तो लॉजिक भी ठीक था और वो हमने चांदनी फिल्म में देखा था वो एक शॉट था वो एक गाना था महबूबा उसमें आता है वो एक शॉट विजुअल का ऑफ राजघाट ऋषि जी और श्रीदेवी बाइक पे हैं ठीक है ऑब्वियसली करण ऐसे स्कूल में गए हैं जहाँ पर ये सब बातें सिखाई जाती हैं और मैं बोलना चाहूँगा कि करण जो है जिस स्कूल में गए थे वहाँ पर ये फिल्मों के बारे में भी सिखाया जाता था एक चीज़ और सिखाई जाती थी जिससे मैं बहुत इंप्रेस हुआ था फर्स्ट टाइम जब हम दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे की फिल्म की शूटिंग कर रहे थे स्विट्जरलैंड के अंदर तब मुझे मालूम पड़ा कि करण एकदम फटर फटर फ्रेंच में बात करते हैं कमाल की फ्रेंच बोलते हैं और मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारा अगला ब्रेक लिंक है उसमें तुम्हें बोलना है फ्रेंच के अंदर उस कैमरा में देखकर कि आप लोगों को मैं होमवर्क का एक सवाल देने वाला हूं उस सवाल का जवाब दें तो आप एक लाख रुपए जीत सकते हैं एवरीवन टेक अ होमवर्क ब्रेक आई जस्ट वांट टू से क्या आप पांचवी पास से तेज है इन फ्रेंच ओके वेरी गुड मैं आके पीछे बोल देता हूं कि हम होमवर्क ब्रेक लेने वाले हैं एंड द सेकंड पार्ट की करण बोलेंगे जल्दी से वापस आएगा आप देख रहे हैं क्या आप पांचवी पास से तेज हैं दबाव से बुधरे धीर के जादौर शाहरुख खान वुज इट रेमा लहुआ देंद Il est vraiment le roi d'Inde. Ça veut dire he is really the king of India. Et après ça, je veux dire, est-ce que vous êtes plus intelligent que les étudiants de 5e classe? आप लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोग फ्रेंच में जो है अपने होमवर्क को मत कीजिएगा क्योंकि आपके सामने अब होमवर्क का सवाल आ रहा है सोच समझ के सही जवाब देंगे तो आप एक लाख रुपए घर में बैठे हुए जीत सकते हैं लाखारा लवुरु बोला कम बैक आफ्टर द होमवर्क ब्रेक हो वुलेबू आज का बजाज आलियंस होमवर्क क्वेश्चन नंबर टू है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह पर लिखा सत्यमेव जयते किस लिपि में लिखा गया है आपके ऑप्शंस हैं एक देवनागरी दो रोमन तीन सिरलिंग शाहरुख बड़ा हंस रहा है आई थिंक राइट आंसर बड़ा खुश है हमारे जवाब के साथ मैं इतना हंस रहा हूँ तुम्हें लग रहा है खाओ फुटेज चलो हाउ बैड विल यू फील इफ आई टोल्ड यू दैट क्लोव इज द रॉन्ग आंसर वेलकम बैक
केटल प्रेजेंट्स, क्या आप पांचवी पास से तेज हैं? हम करण और रानी के साथ हैं, ऑफ कोर्स। अब ये मूव कर रहे हैं बड़े मतलब सेकंड रंग की तरफ, जो है 5,00,000 रुपए के लिए। वेल प्लेड बोथ ऑफ यू। जल्दी से आप लोग अपना एक सब्जेक्ट चुने कि हम 5,00,000 रुपए जीत लें। क्लास 4 प्लांट किंगडम 5,00,000 रुपए के लिए करण और रानी के लिए सवाल दिखाया जाए प्लीज। वेरी वेल प्लेड बच्चों, एक बार जल्दी से बोलो करण रानी के लिए, दम लगा के शोर लगा के डन। मेरे कॉम्पैक्ट मिनी पर हिंदी में तुमसे सवाल है, इनमें से कौन सा मसाला असल में एक सूखी हुई कली है? लौंग, इलायची या दालचीनी? Which of these spices is actually a dried bud? Clove, it's a dried cardamom, bud. Or cinnamon? It's a dried bud. It's a clove. It's a clove. It's not cinnamon. It's not cardamom. ध्यान से सोच समझ कर जवाब देना। मिलनजीत को लगता है कि उसे जवाब मालूम। It's a clove. पहले आप जब डेंटिस्ट के पास जाते हो तो दांत में जब दर्द होता है तो हम दांत में ये ड्राइड बड डालते हैं, which is a clove. सोच लो, 5,00,000 रुपए के लिए है। तुम दोनों सेफ जगह पर हो। सेफ जगह का मतलब यह है कि मिनिमम 2,00,000 रुपए यहाँ से जीत कर जाओगे, क्योंकि उस पड़ाव पर तुम आ चुके हो। अगर ये जवाब गलत भी हुआ तो cardamom is why not cardamom? Cardamom is इलायची, it's not a dried bud. Cinnamon? Cinnamon is dalchini. It's like the no, it can't be a bud. It has to be a clove. क्या करना चाहते हैं? फिक्स करना चाहते हैं? लॉन्ग बुलाते हैं। चलो। लॉन्ग। और तुम्हें तो गाना भी याद आ रहा होगा, क्योंकि तुम्हारे सारे सवालों के मेरा लॉन्ग गवाचा। लॉन्ग गवाचा, लॉन्ग गवाचा, लॉन्ग गवाचा। डिंगा मारना है। आपको पता है ना मेरा नाम? टेंशन हो रहा है, अभी मत गाना गाओ। एक बार गा लो, मिलनजीत को आता है गाना। पीछे पीछे आना मेरे, ना ना ना, मुझे पता नहीं। मैं ज्यादा पिक्चरें नहीं देखता। क्या? मैं पढ़ाई पर फैंसी हूं। मैं पढ़ाई पर ध्यान देता हूं। पिछली पिक्चर कौन सी देखी थी? लास्ट फिल्म कौन सी देखी थी आपने? चकदे देखी, वो मेरी फेवरेट है। तेनू तेनू लगा होगी कि ये पंजाबी चाहिए पिक्चर, इसलिए देखिए तू, है ना? गाना सुनाओ रानी वाला। पीछे पीछे अंदर मेरी नहीं नहीं, दिल वाले ना देखना आंदे मेरा लॉन्ग वाचा, डिंगा मारना। क्या मार दा? डिंगा मार, डिंगा मार दा आंदे। क्या करना चाहते हैं आप लोग? लेट्स गो विद क्लो। शाहरुख बड़ा हंस रहा है, आई थिंक राइट आंसर है। बड़ा खुश है हमारे जवाब के साथ। चलो clove. I think this is definitely six. जब मैं इतना हंस रहा हूँ, हाँ, तुम्हें लग रहा है? Do cow footage. We'll also see. Cow footage. We'll also see. चलो चलो. How bad will you feel if I told you that clove is the wrong answer? We'll feel pretty bad. I think it's the right answer. It's the right answer. Cardamom. देखो, you can't argue with a woman. So she knows her spices because she's hot. Oh. Just to clarify, जवाब तुमने दिया था। तुम्हारा और किचन का क्या रिश्ता है? मैंने दिया था। मैंने कब कहा कि मैं हॉट नहीं हूँ? अच्छा, आप भी हॉट हैं और ये मैं भी किचन में उतना ही वक्त गुजारता हूँ। मैंने जवाब दिया था। तुमने जवाब दिया था। ओके, फिर मैं डिस्कस नहीं करूंगा कि अगर स्पाइसी एंड हॉट लड़की जवाब दे रही है क्लोव, देन क्लोव इज द राइट आंसर। ओके, वन क्वेश्चन। रानी, तुम बड़ी होकर क्या बनना चाहती थी जब तुम छोटी थी? सोचा ही नहीं था। फिर भी कुछ तो दिमाग में होगा, एस्ट्रोनॉट, पायलट, बच्चों के ख्वाब होते हैं अलग। नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचा था, सिर्फ यही सोचा था कि मैं बड़ी होके मैं अपने मम्मी पापा के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी, उनको सारी दुनिया की खुशियाँ देना चाहती थी। मैं एक बात बताना चाहूँगा, मैं रानी को बहुत सालों से जानता हूँ और जितनी खुशी रानी ने मेहनत करके दिन रात अपने माँ बाप को दी है, मुझे नहीं लगता कि बहुत सारी बेटियों ने अपने माँ बाप को वो खुशी दी होगी जेन्युइनली। इसका अपने माँ बाप के प्रति प्यार देके कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि मैं भी इसकी माँ होता। बट शी इज बीन रियली वंडरफुल टू आवर पेरेंट्स। और करण, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते थे? बाल काटना चाहते थे। Really? मेरा ऐसे कोई बड़े सपने नहीं थे। मुझे तुम school... अपने मम्मी डैडी को खुशी देना चाहते थे बाल काट बाल काट के बाल। मैं पहले स्कूल के इंटरव्यू पे गया था तो प्रिंसिपल ने पूछा कि बेटा बड़ा होके क्या बनना चाहते हो? ऐसे मैं बाल काटना चाहता हूँ। तो मुझे स्कूल में एडमिशन नहीं मिला। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हें सब नहीं है कि उनको नहीं जरूरत थी कि कोई हेयर स्टाइलिस्ट स्कूल में रहे। स्कूल में रहे। लेकिन आई थिंक फिर मेरे माँ ने कहा कि बेटा पायलट कहो, इट्स अ सेफ आंसर। तो तुमने कहा फिर? हाँ, लेकिन फिर उन्होंने पूछा क्या फ्लाई करना चाहोगे? मैंने कहा कुछ नहीं, ठीक है। पायलट तक मुझे पता था, उसके बाद एज यू नो मेरे जवाब थोड़े हैं, थोड़े कमजोर हैं। तो
genuinely beyond that kuch aur socha tha kabhi kuch aur banne ka malum tha director banoge main janta hu logon ko nahi malum isliye batao fashion designing isliye to main aapke kapde design karta hu aaj tak karan mere kapde isliye design karte hain inko main profession yahi hai main actually fashion designer zyada director kam hu Director कम हो वेरी गुड और कुछ बताना चाहोगे अपने बारे में बिल्कुल नहीं अब बहुत राज खुल चुके हैं अब आप आगे बढ़े तो ओके थैंक यू वेरी मच मिलन जी थैंक यू मिलन जी थैंक यू ओके श्री पन्ना फर्स्ट बेटा वी कॉल यू नेक्स्ट हेलो डार्लिंग करण और रानी ने श्री पन्ना को बुलाया धैर्य को वो मेन सवालों के लिए अपना सीक्रेट वेपन बनाकर रख रहे हैं जी धैर्य इज आवर सीक्रेट वेपन 10 लाख रुपए के लिए जल्दी से अपना सब्जेक्ट चुनो और क्लास टू मैथ्स ओके 10 लाख रुपए के लिए करण और रानी के लिए क्लास टू मैथमेटिक्स का सवाल दिखाया जाए प्लीज हिंदी में मेरे कॉम्पैक्ट मिनी पर मैथमेटिक्स का तुमसे सवाल है इन अंकों में किसका मान सबसे कम है विच इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आपकी श्रीपर्णा को लगता है उसे जवाब मालूम है आपकी चॉइसेस है 29 37 47 29 एक से गिनती गिनो करण हिंदी में एक मिनट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127
दो का सवाल है क्लास टू पैतीस छत्तीस सैंतालीस करण तुम ऐसा करो तीस के बाद की गिनती सुनाओ 31, 32, 33 हिंदी फिल्मों के सबसे बड़े डायरेक्टर क्लास दो का सवाल बहुत हमारी बेइज्जती हुई है आई थिंक इट्स 29 आई थिंक इट्स बेआबरू किया है आई थिंक इट्स 29 रानी को 29 लग रहा है करण को कुछ भी नहीं लग रहा है इस वक्त मुझे कुछ कुछ लग रहा है मुझे कुछ कुछ लग रहा है 29 कितना होता है 29 37 कितना होता है 37 क्या है 37 विल बी 37 प्रोबेबली 47 फिर 47 क्या है आई थिंक इट्स 70 47 तुम्हें लगता है 70 है 37 तुम्हें लगता है 37 इज 37 इज 30 I think just copy she will know 100% I think it's 29 But why take a chance No I'm telling you it's 29 it can't be 37 it can't be 47 But I'm still I'm my You see 37 and 47 definitely not below 29 That's for sure So mai lag raha hai 37 aur 47 29 se pehle nahi hai kyunki tumne jab tak gina to aaye nahi aaye nahi to aage hi honge aage hi honge abhi koi 30s mein ho ya 70s mein ho humko kya lena tha ja raha yaar kya ab dono ka waqt khatam ho raha okay नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर रहा आंसर तो बोला नहीं 29 करेक्ट है ना How do you know? I know. I'm not seeing, ah. Anyway, we have done already. I have already fixed it, no? So I can see now. अगर तुम दोनों ने चीटिंग की है तो मैं तुम दोनों को बेंच पे खड़ा करूंगा वहां पे चीटिंग नहीं 100% पहले बच्चों का जवाब दो मैंने यहां पढ़ लिया है मैंने यहां ओके अनुभव का जवाब बताओ ओ गॉड अनुभव ने लिखा है 37 तुम्हें किस बात का अनुभव है नहीं
देखते हैं कि श्री परना ने क्या जवाब लिखा है. श्री परना का जवाब प्लीज बोर्ड पे दिखाया जाए. 29. अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि बचाव तुम्हारे पास बाकी है. तुमने 29 बोला है. अगर जवाब गलत हुआ तो श्री परना तुम्हें बचा नहीं सकती क्योंकि उसका जवाब भी सेम है. और अनुभव ने लिखा है 37. तुम दोनों ने थोड़ी बहुत चीटिंग भी की है. ऑडियंस से सुना है. चीटिंग नहीं, प्रॉमिस. God promise. That's not fair. God promise. That's not fair. Don't say that you're cheating. ये आरोप. I told you right. जो आपने हम पर लगाया है. Don't say like that. Take your. हमें मंजूर नहीं है. हम 29. We stand by 29 because we are both 29 years old. Okay, अगर तुम लोग इतने सच्चे हो और दिल के साफ हो, तो मैं तुम्हारा आंसर मान लेता हूँ. 29. अनुभव. अनुभव. मैं पिंच करूं? पर पहले मुझे पिंच करो. आई डिडंट नो 29 वाज द राइट आंसर. हां ओके. 37 एक्चुअली 37 होता है. 47 होता है. दैट वी न्यू. 47. तुम यहां पर आओ मेरे साथ प्लीज. कैमरा इनको फॉलो करें. अनुभव तुम इधर आ जाओ. करण इस पे खड़े हो जाओ. मैंने नहीं किया. दिस इज योर पनिशमेंट. स्टैंड ऑन. मैं स्टैंड गिर जाएगा तो गिरेगा. ये दोनों यहाँ पर कान खड़े रहेंगे. आप लोग एक छोटा सा ब्रेक लें, एक्चुअली लंबा ब्रेक लें और आराम से वापस आए. जब तक आप वापस नहीं आएंगे तब तक ये दोनों ऐसे ही कान पकड़े बंदर की तरह खड़े रहेंगे. प्लीज टेक अ ब्रेक. वेलकम बैक टू एयरटेल प्रेजेंस. क्या आप पांचवी पास से तेज हैं? और मुझे बहुत मजा आ रहा है मेरे दोस्तों के साथ. आखिरी 3 सवाल हो तुम लोग, मतलब 1 करोड़ से सिर्फ 3 सवाल दूर. वेरी वेल डन. गो फॉर इट. जनरल नॉलेज. जनरल नॉलेज क्लास 2. बहुत जल्दी करण रानी ने चूज किया है क्लास 2 जनरल नॉलेज. 20 लाख रुपए के लिए सवाल दिखा जाए प्लीज. एंड आपसे सवाल है हिंदी में मेरे कॉम्पैक्ट मिनी से. मैं पढ़कर सुनाता हूँ. न्यूजीलैंड के किस पक्षी का नाम एक ऐसे फल के नाम से मेल खाता है जो मूलतः चीन का है? Which bird from New Zealand shares its name with a fruit native to China? Which bird from New Zealand shares its name with a fruit native to China? Bada acha hai. Ab iska jawab aa gaya. Which bird from New Zealand shares its name with a fruit native to China? Fruit ke China ke fruits ke bare mein kuch melons hote hain na wahan. They have those passion fruit. Dono cheeze try karo. Koi chidiya New Zealand se yaad hai ya koi fruit China se maloom? Kiwi. कीवी. कीवी मतलब कीवी चिड़िया है. कीवी 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 इज व्हाट दे कॉल द न्यूजीलैंड्स. द पीपल फ्रॉम देयर कॉल द कीवीज. कीवीज या आई डोंट थिंक दैट्स अ बर्ड. आपके पास 2 चीट्स भी हैं. आपको लग रहा है कीवी है. नहीं नहीं, हमने कहा कुछ कहा कि कीवी है. हम ऐसे फेंक रहे थे, दाने फेंक रहे. नहीं नहीं, अगर डिसाइड कर सकते हो 20 लाख रुपए के लिए. मैं अपने हमारी जो साइट है उस पे काफी सारे ऐसी चीजें लिखी हुई हैं. वी कीवी ओनली. इज इट अ बर्ड? ऊंचा ऊंचा बोलिए. हम ऐसे क्या प्यार की पर्सनल बातें चल रही? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं. आपकी अच्छाई कर रहे थे हम. थैंक यू. तारीफ कर रहे थे. तो मैं तुमको आंसर बता दूं अब. प्लीज. कीवी. 20 लाख रुपए के लिए खेल रहे हो. अगर गलत जवाब हुआ तो गिर के 2 लाख रुपए पे आ जाओगे. ये दोनों मैं आप लोगों को याद दिला दूं, करण और रानी चैरिटी के लिए खेल रहे हैं. इस वक्त इन्होंने 10 लाख रुपए जमा कर लिए हैं, यानी 5-5 लाख रुपए अपनी चैरिटी को दे सकते हैं. You know, I think we're playing for charity. So I think the answer is correct. Because God, charity. God is with us. ये नया लॉजिक है रानी का इस बार. I'm going with Kiwi because... Om Sai Ram. चलो, Om Sai Ram. Kiwi should be the answer. कर लूँ? Take a second, sir.
I'm getting very tense. My heart is beating. Please say if it's wrong also, na past. बचाओ. श्री परना ने जो जवाब लिखा है वो पहले मैं तुम लोगों को बोर्ड पर दिखाऊं. श्री परना का जवाब प्लीज बोर्ड पर दिखाया जाए 20 लाख रुपए के लिए. चैरिटी के लिए तुम लोग खेल रहे थे. अगर तुम्हारा जवाब कीवी है और कीवी अगर गलत जवाब है तो श्री परना तुम्हें बचा नहीं सकते. लेकिन बचाने की नौबत इसलिए नहीं आएगी क्योंकि कीवी इज द राइट आंसर. चाइनीज गूसबेरी को भी कीवी कहते हैं और लोगों को भी. और एक न्यूजीलैंड में फ्लाइटलेस बर्ड है उसको कीवी कहते हैं. और इसलिए क्योंकि न्यूजीलैंड से है तो वहाँ के लोगों को भी प्यार से कीवी कहते हैं. इसलिए नहीं कि न्यूजीलैंड के लोग अंडा देते हैं. ओके या उड़ते हैं. या उड़ते हैं दोनों ही नहीं करते. वी हैव रीच्ड अ वेरी वेरी थैंक यू. थैंक यू श्री परना. श्री परना गोज बैक. यस श्री परना द राइट आंसर. थैंक यू वेरी मच श्री परना. अब आपके साथ नहीं है. आपको एक लास्ट बच्चा यानी धैर्य बुलाना पड़ेगा. थैंक यू श्री परना. गॉड ब्लेस यू. Come here first. Can I lift you? Yeah. Okay. Can we lift you and take you there? Come. ये ना आ गया धैर्य. धैर्य जो चमचागिरी हो रही है तुम्हारी मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ. प्लीज इससे कैरिड अवे मत हो जाना. ये किस्म की ब्राइब है. इस वक्त मुझे लगता है थोड़ा सा वक्त हो गया कि मैं इनके लिए दुआ करूं कि भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे कि और भी अच्छा खेल सकें और यहां से बहुत सारा पैसा चैरिटी के लिए कमा के जाएं. जब तक मैं इनके लिए दुआ करता हूं पूजा करता हूं आप लोग ले एक छोटा सा ब्रेक. एवरीवन टेक अ ब्रेक. लाइट्स कैमरा एक्शन. तुम दोनों काफी चीप हो. वेलकम बैक एवरीबॉडी. एयरटेल प्रेजेंस. क्या आप पांचवी पास से तेज हैं और मेरे साथ इस वक्त खेल रहे हैं मेरे सबसे जिगरी दोस्त मेरे बहुत 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 चहेते रानी मुखर्जी एंड करण जौहर. मैं आप सबको बता दूं करण रानी जो चैरिटी के लिए खेल रहे हैं अब 50 लाख रुपए के लिए खेल रहे हैं. यानी दो सवाल दूर है 5 करोड़ रुपए से. ओनली 2 questions अवे फ्रॉम 5 करोड़ रुपीज फॉर 50 लाख रुपीज. क्लास 1 हिंदी सवाल दिखाया जाए प्लीज. और तुम्हारा सवाल हिंदी में मेरे कॉम्पैक्ट मिनी पर सर मर और लग शब्दों के शुरू में कौन सा हिंदी स्वर जोड़ने पर 3 नए शब्द बनाए जा सकते हैं. हिंदी स्वर. स्वर मतलब मालूम है. हेरे ने अपना जवाब फिक्स कर दिया है. उसे लगता है कि उसे जवाब मालूम है 50 लाख रुपए के लिए चैरिटी के लिए. ध्यान से सोचो सर मर और लग शब्द के शुरू में कौन सा हिंदी स्वर जोड़ने पर 3 नए शब्द बनाए जा सकते हैं. असर अमर अलग. अलग हाँ. असर अमर अलग शब्दों के शुरू में कौन से जुड़ने से 3 नए शब्द बना. असर अमर अलग. ओके शुड आई. कसर कमर कलग नहीं हो सकता. पसर पमर पलग नहीं हो सकता. असर अमर अलग. अ स्वर मतलब समझते हो ना. स्वर मींस ट्यून. नहीं तुम बताओ. मैंने पूछा तुमसे स्वर क्या है. आई कांट बी रॉन्ग अबाउट दिस बेबी बिकॉज करण इज रियली गुड एट हिंदी. इट्स स्केयरिंग मी बोथ ऑफ यू ऑल. शुड आई फिक्स इट ऑर नो. 29 39 क्या क्या फिक्स करू 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 करू. मुझे डराओ मत करण. मैं बहुत डरा हूँ करण. रिशो यू सी पमर. यू आर सेइंग करेक्ट बट आई डोंट नो व्हाट इज द स्वर जोड़ने पर तीन. स्वर इज कंफ्यूजिंग अस. ही इज थ्रोइंग अस ऑफ बाय सेइंग स्वर. स्वर मस्ट बी दिस ओनली. ओ ओके देन डू इट इफ यू आर श्योर अबाउट. रमर रमर रसर. ओके लेट्स डू इट. रलग जसर. ओके कम कम कम. असर. एंड यू फिक्स इट. देयर इज नो गोइंग बैक. तुमने जवाब दिया है अ यानी असर अमर और अलग. डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन अ व्यंजन एंड अ स्वर. नो नो. शाहरुख से ना राइट और रॉन्ग. प्लीज डू जस्ट डू इट. से ना. अभी वे स्वर वावल होता है. हिंदी के वावल्स मालूम है. आ आ ई ई उ उ ए ए. से ना. से ना. आई बेग यू शाह जस्ट से. जस्ट से.
मेरे सारे references हिंदी फिल्म से मजा ये कैसा उड़ी बाबा मुझे हो गया उड़ी बाबा ये गाना और आ, 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 मजा ये कैसा मुझे हो गया दिल मेरा खो गया टडक टा आ आ ई ई ओ ओ ए ए उड़ी बाबा उड़ी बाबा उड़ी बाबा उड़ी बाबा उड़ी बाबा उड़ी बाबा प्लीज शाह तुम दोनों काफी चीप हो थैंक यू वेरी मच 50 लाख रुपीस वेरी वेरी गुड फैंटास्टिक क्विकली लेट्स मूव टू द नो 50 लाख रुपए करण और रानी जीत चुके हैं अपनी अपनी चैरिटीज के लिए करण नानावती हॉस्पिटल की चैरिटी में देंगे और रानी अलग अलग विभिन्न चैरिटीज में जमा करके देना चाहती हैं दोनों ने मेरे हिसाब से ना ही बहुत अच्छा खेल खेला है दे प्लेड अ फैंटास्टिक गेम बट बहुत अच्छे कार्य काम के लिए खेला है सो आई रियली थैंक यू गाइज फॉर बींग सो फैंटास्टिक सो ब्यूटिफुल एंड सो नाइस एंड Most of all, being so funny and so silly and so sweet, I owe you one for coming on the show and being so kind to me. Thank you very much, Karan and Rani. I love you, man. And आप लोगों को एक LCD television भी मिलेगा, वो हमारी तरफ से है, वो charity के लिए नहीं है. जितने भी बच्चे ये प्रोग्राम देख रहे हैं और बड़े भी ऑफ कोर्स सबके सब प्लीज याद रखिएगा कि रानी मुखर्जी की एक बहुत खूबसूरत फिल्म आ रही है जिसमें श्रिया भी हैं और उस फिल्म का नाम है थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक तो सबके सब जाइएगा हम तो जाएंगे करण और मैं तो पहले दिन फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखेंगे ट्रायल में ही देख लेंगे एंड वी नो इट्स गोइंग टू बी अ वंडरफुल एंड अ ब्यूटीफुल फिल्म एंड अ बिग बिग हिट इंशाल्लाह वेरी गुड और खेल खेल के लिए मैं आपसे 1 करोड़ का सवाल ही पूछूंगा जस्ट सो दैट यू नो कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं बड़ा दादागिरी दिखा रहा था करण मुझको और रानी भी लेट्स फाइंड आउट क्लास 5 पर्सनालिटीज 1 करोड़ के लिए करण और रानी को सवाल दिखाया जाए प्लीज विवेक स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे स्वामी विवेकानंद हु वॉज द फाउंडर ऑफ द रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद रानी I think it's Swami Vivekananda. Both the names and actually are Ram and Krishna are Rani's parents. Parents, yeah. Oh, yeah. Ram is Rani's father's Krishna. name and Krishna is her mother's name. Yes, Rani ke pita ji ka naam Ram hai. And she's on a mission. Mata ji ka naam hai Krishna aur Rani yahan par mission pe aayi hain. 50 lakh rupaye jeet chuke hain us mission ke zariye. Aur ab mujhe ye batana hai ki tumhe lagta nahi Shri Ram Krishna या स्वामी विवेकानंद स्वामी विवेकानंद अनफॉर्चुनेटली तुम दोनों रियल पैसे के लिए नहीं खेल रहे बिकॉज दिस इज द ओनली आंसर इस पूरे प्रोग्राम में तुमने फुल कॉन्फिडेंस से दिया है और ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है वेरी वेल डन बट वेरी वेरी वेल प्लेड यू नो व्हाट हैपेंड इज कि तुम लोग इस शो के अंदर दौरान जेन्युइनली अपने आप को इंटेलिजेंट समझने लग चुके हो No, really, मुझे ऐसे फीलिंग आ रही है कि तुम्हें लग रहा है यार हम तो एकदम रामकृष्ण मिशन भी हमने आंसर दे दिया था देखे, वो जो पट से आया था पट से नहीं स्वामी, पट से पट पट से पट से जो आ पट से ओके तो तुम दोनों भूल गए हो कि तुम दोनों को उस कैमरा में देखकर बोलना है मैं करण जौहर इंडिया का सबसे बड़ा फिल्म डायरेक्टर मैं रानी मुखर्जी अलग अलग अपने अपने नाम लेना मैं रानी मुखर्जी इंडिया की सबसे बड़ी एक्ट्रेस और ये मैं कह रहा हूँ शाहरुख खान कह रहा है नहीं शाहरुख खान कह रहा है तो इसलिए यू कैन से इट यू आर नॉट साउंडिंग पॉम्पस दो यू आई एम वेरी डाउन टू अर्थ क्या कहूँ सो इन दैट डाउन टू अर्थ मैंने बताओ कि तुम कितने गिरे हुए हो कि तुम पांचवी पास से तेज नहीं हो मैं करण जौहर भारत का निर्माता निर्देशक ये कहना चाहता हूँ भारत के कैसे तुम निर्माता निर्देशक हो सकते हो यार भारत फिल्म फ्रेटर्निटी का निर्माता निर्माता निर्देशक होने की हैसियत से मैं कहना चाहूंगा कि मैं पांचवी पास से तेज नहीं हूँ रानी मैं रानी मुखर्जी इंडिया की फिल्म एक्ट्रेस ये कहना चाहती हूँ कि मैं पांचवी पास से तेज नहीं हूँ मैं बुद्धू हूँ मैं बुद्धू हूँ मैं बुद्धा हूँ मैं बुद्धू हूँ मैं लल्लू हूँ मैं लल्लू हूँ मैं कद्दू हूँ मैं कद्दू हूँ मैं अकल की घोंचू हूँ मैं अकल की घोंचू मैं शाहरुख खान का दोस्त हूँ और मैं शाहरुख खान की बेस्ट हीरोइन हूँ और हम तीनों ही पांचवी पास से तेज नहीं है ओके थैंक यू वेरी मच रानी एंड करण लेट्स हियर इट फॉर देम गाइस कम करण यू गॉट टीचर द सॉन्ग सोना सोना सोनी तेरी पायल छन्ना छन ऐसे छंदे
क्योंकि हर रोज एक्टिव लर्निंग पर ही तो मैं क्विज खेलती हूँ। मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन। और अगर मैंने ये सही उत्तर दिया तो आप मेरे लिए एक डायलॉग। मैं आई 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 आ जाओ। फिल्मों की तरह हमारी लाइफ में भी अंत तक सब कुछ ठीक हो जाता है, हैप्पीज एंडिंग। और अगर ठीक ना हो तो वो एंड नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।